अगर आपसे कोई कहे कि धरती पर अब 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हैं तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन सच यही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में खोजे गए धरती के 8वें महाद्वीप जिलैंडिया की। भले ही अभी तक आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में धरती पर मौजूद महाद्वीपों की संख्या को 7 सही जवाब के रूप में माना जा रहा था, लेकिन अब यह तथ्य बदल जाएगा। हम जिस नए महाद्वीप की बात कर रहे हैं वह दक्षिण प्रशांत महासागर में 3300 फीट नीचे जलमग्न है। वैज्ञानिकों की माने तो धरती पर मौजूदा 7 महाद्वीपों के अलावा एक 8वां महाद्वीप भी है। द इंडिपेंडेंट अखबार के अनुसार यह न्यूजीलैंड के नीचे है, जिसका तकरीबन 94% हिस्सा जलमग्न है। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका जनरल में छपी रिपोर्ट में बताया गया है कि 8वें महाद्वीप जिलैंडिया का क्षेत्रफल तकरीबन 50 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 क्षेत्रफल के बराबर है। वैज्ञानिकों ने कहा कि जिलैंडिया एक महाद्वीप होने के सभी मानदंडों को पूरा करता है। सामान्य तौर पर हम महाद्वीप ऐसे भूखंड को कहते हैं जो क्षेत्रफल में बड़ा हो और उसके चारों ओर जल स्थित हो, लेकिन शोधकर्ता एक अलग दृष्टिकोण से इसे देख रहे हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि ऐसा भूखंड महाद्वीप होगा जो आसपास के क्षेत्र से उठा हो, उसकी विशेष भूगर्भीय संरचना हो, निश्चित क्षेत्रफल हो और उसकी समुद्र की सतह से मोटी भूपरपटी या क्रस्ट हो। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका अपना भूशास्त्र है। आपको बता दें कि यह नवीन महाद्वीप न्यूजीलैंड के आसपास का इलाका है, जिसका मानचित्र भी जारी कर दिया गया है। यह प्राचीन गोंडवाना लैंड से 7.9 करोड़ वर्ष पहले टूटकर अलग हुआ है, जो 2.3 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्र में डूब गया था। वैसे तो इसकी खोज 2017 में ही हो गई थी। इसका नाम जिलैंडिया 1995 में ब्रूस लेंडिक ने किया था। न्यूजीलैंड की संस्था जीएनएस साइंस ने कहा कि इसको महाद्वीप मानने के बाद न सिर्फ महाद्वीपों की संख्या 8 हो जाएगी, बल्कि वे यह भी जानने में सक्षम होंगे कि यह कैसे बना और कैसे टूटा, और इतना ही नहीं, इससे महाद्वीपों के बनने के और भी राज खुलेंगे। लेखक निक मार्टिमर ने कहा कि महाद्वीपों का अधिकांश भाग समुद्र में होने की वजह से आंकड़े इकट्ठा करना मुश्किल होता है। दरअसल अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक संगठन नहीं है जो महाद्वीपों को मान्यता दे सके। ऐसे में आने वाला समय और इस दिशा में किया जाने वाला शोध ही बताएगा कि जिलैंडिया को महाद्वीपों की श्रेणी में माना जाएगा या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में 7 नहीं बल्कि 8वें महाद्वीपों से जुड़े तथ्यों को भी पूछा जाएगा। जैसे ही नया कोई तथ्य सामने आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। बेहतर तैयारी के लिए आप देखते रहें टारगेट विद आलोक।